नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं सप्लीमेंट्स रिलेटेड हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट खरीदते टाइम आपके काफ़ी काम आने वाली हैं। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ और दोस्तों एक नई अवेयरनेस वीडियो के साथ। दोस्तों, अवेयरनेस वीडियो क्यों कह रहा हूँ मैं इसे, क्योंकि दोस्तों हमारे जो चैनल का गोल है वो है आपको अवेयर करना रिलेटेड टू सप्लीमेंट्स और आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करना। और दोस्तों, मेरे पास दिन में कम से कम 4 से 5 मैसेज डेली आते हैं टीनएजर्स के बिलो 18 ईयर्स जो होते हैं, किसी की उम्र 16 साल होती है, किसी की 15 साल होती है, और वो मेरे से बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं कौन सा सप्लीमेंट लूँ, क्या सप्लीमेंट लूँ, क्या मुझे सप्लीमेंट लेना चाहिए, मुझे मसल ग्रोथ करनी है, जल्दी है, तो आप मुझे कोई सप्लीमेंट बताइए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जो है राम से ही जानेंगे एक बार उन्हीं के मुँह से कि वो यहाँ क्यों आए हैं और उनका क्या सवाल है, ताकि मैं जो है उनके सवाल के थ्रू आपको भी आंसर दे पाऊं। तो राम, आप हमें बताइए। और सबसे पहले मैं जो है राम का स्वागत करूंगा। राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जो आप आए, और धन्यवाद भी करूंगा कि आप जो है एग्री हुए ये वीडियो बनाने के लिए। तो राम, आप हमें सबसे पहले बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं और क्या आपका सवाल है। मेरा नाम राम है और मैं यहाँ पे भैया से पूछने आया था कि मैं यहाँ सप्लीमेंट ले सकता हूँ या नहीं, और मुझे कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए जिससे कि मैं अपनी मसल्स बना सकूँ। और राम, आपकी उम्र बताइए एक बार। मैं 15 साल का हूँ। ठीक है। और राम, कहाँ से आए हो आप? मैं पलवल हरियाणा से हूँ। ठीक। तो दोस्तों, आपने सुना कि राम ने बोला कि उनकी उम्र है 15 साल और मसल्स इनको बनानी है, तो इनको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये जवाब मैंने राम को भी दिया और मैं आपको भी देता हूँ कि दोस्तों, आपको कोई सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। जितना हो सके राम, आपको भी नेचुरल डाइट पे फोकस करना है, क्योंकि अभी आपकी ग्रोइंग स्टेज है, अभी आपकी मसल्स इतनी मैच्योर नहीं हुई हैं। तो आपको, और दोस्तों राम जैसे आप सभी व्यूअर्स को भी मैं यही सलाह दूंगा कि कोई सप्लीमेंट आप ना लें, चाहे आपको वेट गेन करना है, चाहे आपको वेट लॉस करना है, चाहे आपको मसल गेन करनी है, आपके लिए कोई सप्लीमेंट नहीं है। क्योंकि मोस्टली 99% जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनके ऊपर साफ साफ मेंशन होता है कि ये 18 साल से ऊपर वाले के लिए हैं। तो आपकी उम्र जब तक 18 साल ना हो जाए, आपको सप्लीमेंट नहीं लेने हैं। और दोस्तों, जितना हो सके आपको नेचुरल डाइट पे फोकस करना है। आप जो है प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट करने के लिए दूध ले सकते हैं, आप अंडे ले सकते हैं, अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो नॉनवेज फूड ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। तो दोस्तों, ये जो वीडियो थी वो यही अवेयरनेस के लिए थी, यही आपको अवेयर करने के लिए थी कि आप जो है 18 साल से नीचे हैं तो आप सप्लीमेंट ना लें। बाकी दोस्तों, कुछ पर्टिकुलर कंपनियां हैं जो 18 साल से नीचे वालों के लिए भी जो है मेंशन करती हैं कि इनको ले सकते हैं। जैसे हम अवतार की बात करते हैं तो अवतार न्यूट्रिशन एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर मेंशन होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो 15 साल से ऊपर वालों के लिए हैं। बट दोस्तों, स्टिल मैं जो है आपको एडवाइस करूंगा, क्योंकि हमारे चैनल का गोल है आपको प्रॉपर एडवाइस करना, आपको गाइड करना, ताकि आप जो है सप्लीमेंट से रिलेटेड जितने भी मिथ हैं, आपके कन्फ्यूजन्स हैं आपकी, वो दूर हो सकें। तो दोस्तों, आपको 18 साल से अगर आप नीचे हैं तो आपको कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना। तो राम, आप भी कोई सप्लीमेंट ना लीजिए जब तक आप 18 के ना हो जाएं, और अपने वर्कआउट पे फोकस कीजिए। और राम, आपको कितने दिन हुए हैं वर्कआउट करते हुए, आप एक बार बताइए। मुझे भैया 6 महीने हो गए हैं वर्कआउट करते हुए। 6 महीने। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ भी आप नोटिस कीजिएगा कि सिर्फ 6 महीने वर्कआउट करते हुए हैं इनको, क्योंकि जो टीनएजर्स होते हैं स्पेशली 15, 16, 17 साल के, उन्हीं को ही ज़्यादा जल्दी होती है बॉडी बनाने की। वो जो है 3 महीने जाते नहीं हैं जिम में, कि बस उनको लग जाता है कि बस अब तो जो है मसल्स गेन हो जानी चाहिए, अब तो जो है बॉडी बिल्डर हमको बन जाना चाहिए। और वो फिर जो है दोस्तों, सप्लीमेंटेशंस तो मैं कहूँगा कि मतलब आप सप्लीमेंट तो दूर की बात दोस्तों, वो फिर जो है काफ़ी बार जो है गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, मतलब जो वो स्टीरॉयड्स वगैरह की तरफ भी मूव ऑन हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको स्टीरॉयड्स वगैरह तो लेने ही नहीं है, वो तो चीज़ ही अलग है, वो तो मतलब जो है नुकसान करेगी। बट दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 से नीचे है तो सप्लीमेंट भी आप ना लें, आप इसको अवॉइड करें। आपको जो है नेचुरल डाइट पे फोकस करना है, अपने वर्कआउट पे फोकस करना है, अपने जो है रेस्ट पे फोकस करना है। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी की ग्रोथ भी होगी, मसल भी गेन होंगी। और दोस्तों, जब आपकी मसल्स मैच्योर हो जाएं, जब आप भी जो है एडल्ट स्टेज को पार कर लें, मैच्योर हो जाएं, 18 से ऊपर हो जाएं, तो उस कंडीशन में आप जो है कोई डाइटरी सप्लीमेंटेशंस, वे प्रोटीन्स
वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं। तो राम, अब आपको जो है सवाल का जवाब मिल गया होगा, अब आपको जो है कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है, आपको अपनी नेचुरल डाइट पे फोकस करना है और आपको प्रॉमिस करना है। ऐसा नहीं है कि आप सप्लीमेंट विला पे आए और जो है सप्लीमेंट विला पर आपको जो है मैंने आपको बता दिया कि नहीं लेने और आप पता लगे कहीं और से ले आओ, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। तो आप मेरे से प्रॉमिस करेंगे कि आप डाइट पे फोकस करेंगे, रेस्ट करेंगे और अपने वर्कआउट को प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है? बताइए, आप प्रॉमिस करिए मुझसे। हाँ भैया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी सप्लीमेंट नहीं लूँगा और डाइट और वर्कआउट पे फोकस करूँगा। यस, तो राम ने जो है मुझे प्रॉमिस किया है। तो दोस्तों, अगर आपकी उम्र भी राम जैसी है, 15, 16 या फिर 17 साल की, तो आप भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आप कोई सप्लीमेंट नहीं लेंगे, आप जो है अपनी डाइट पे फोकस करेंगे, आप अपने वर्कआउट पे फोकस करेंगे, आप अपने रेस्ट पे फोकस करेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा जरूर। और दोस्तों, धीरे धीरे आपकी मसल्स मैच्योर हो जाएंगी, जब आप 18, 19, 20 साल के हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में आप जो है वे प्रोटीन्स वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सेम चीज़ जो मैं आपसे कह रहा हूँ, सारी प्रोटीन्स कंपनियाँ या कह सकते हैं हम जो सप्लीमेंटेशन वाली जो कंपनियाँ हैं, वो भी सेम चीज़ कहती हैं कि 18 साल से नीचे वाले ना लें। तो ये वार्निंग्स जो हैं, जो कंपनियाँ भी देती हैं और जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, वो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। सप्लीमेंट के बारे में जो है आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपकी उम्र 18 से नीचे है और आप जितना हो सके अपनी डाइट पे फोकस कीजिए, जितना हो सके आप एक्सरसाइज कीजिए, और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है दिमाग में ही रहता है कि यार अब सप्लीमेंट नहीं ले रहा तो एक्सरसाइज भी छोड़ देते हैं, तो आपको एक्सरसाइज भी नहीं छोड़नी है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो थी वो आपको अवेयर करने के लिए ही थी। ये अवेयरनेस वीडियो बनवाने के लिए, क्योंकि राम ने जो है मेरे पास आए और मेरे दिमाग में एकदम से हिट की ये बात कि भाई मेरे पास सवाल भी आते हैं, तो क्यों ना मैं जो है राम से रिक्वेस्ट करूं वीडियो के लिए। तो राम ने मेरी बात रखी, इसके लिए मैं दोबारा राम का धन्यवाद करता हूं, थैंक यू करता हूं। राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो है की। और राम, हो सकता है कि आपकी इस वीडियो के जरिए हमारे और भी जितने जो व्यूवर्स हैं वो अवेयर हो जाएं, उनको भी थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। तो राम, एक बार फिर से धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको काम की लगी है, अच्छी लगी है, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगी, अवेयर रखेंगी, मार्केट में अवेलेबल हर एक सप्लीमेंट से। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे या किसी नई कन्फ्यूजन्स को आपकी दूर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।